नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। केवीएस से रिलेटेड एक जो पीआरटी का आपका रिजल्ट रुका हुआ है उससे एक नई अपडेट आई है, और ये तो होना ही था, ये हमें भी पता था कि जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तभी से ये लग रहा था कि कुछ ना कुछ पीआरटी के रिजल्ट में केवीएस में, और इतने दिनों से होल्ड इसीलिए करके इस रिजल्ट को रखा गया था कि एक बार सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाए फिर रिजल्ट को पब्लिश किया जाए। तो अगर हम बात करें आपके रिजल्ट की, तो रिजल्ट कब आएगा वो डेट बताने से पहले आपको ये बता दें कि आखिर नोटिस क्या आई है। तो आप केवीएस की वेबसाइट पे जाइएगा, नोटिस फॉर ओपनिंग ऑनलाइन पोर्टल, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस, हाँ यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ बोला है नोटिस फॉर ओपनिंग ऑनलाइन पोर्टल अपडेशन एंड क्वालिफिकेशन फॉर पीआरटी। जब आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए नोटिस जब डाउनलोड होगी आपकी, तो ये ओवरऑल क्या नोटिस है आप देख लीजिए यहाँ पर क्या कहा गया है। यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि जो बीएड कैंडिडेट हैं, जो बीएड कैंडिडेट हैं, इन बीएड कैंडिडेट को इस प्रोसीजर से, मतलब पीआरटी से, अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो बीएड को पीआरटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, ठीक है, बाहर कर दिया गया है। और यहां पे करेक्शन विंडो की इसलिए बात की गई है कि अगर आप देखोगे नीचे तो ये बोला गया है कि द विंडो विल बी मेड ऑपरेशनल फ्रॉम 13:09 बजे से लेकर 17:09 तक आपका क्या है, ओपन रहेगा। ये किस लिए ओपन किया गया है? कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास बीएड के साथ डिप्लोमा भी था, लेकिन उन्होंने, ठीक है, जैसे डिप्लोमा में आपका डीएलएड है लेकिन उन्होंने फॉर्म में बीएड ही डाला, तो अब उनके लिए एक ऑप्शन दिया जा रहा है, एक मौका दिया जा रहा है कि जिनके पास ऐसा है कि बीएड के साथ साथ अगर आप उन्होंने डिप्लोमा भी किया है तो वो अपनी जो डिग्री है वो करेक्ट कर लें, मतलब ओवरऑल बीएड को हटाकर आप डीएलएड लगा लें, डिप्लोमा वाली डिग्री वहां पे अपडेट कर दे, तो अपडेशन के लिए ये खोला जाएगा, इसके अलावा और कुछ अपडेट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। और यहां साफ साफ बोला गया है, ध्यान रखिए, द कंपिटेंट ऑथोरिटी हैज कंसीडर सच ए रिप्रेजेंटेशन दैट हैज अलाउ फॉर द ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन विंडो फॉर अपडेशन ऑफ द क्वालिफिकेशन ओनली, सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए कहा गया है। और यहां पर साफ साफ बोला गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था बीएड के लिए वही आपका यहां पर कायम रहेगा, बीएड को पीआरटी से अभी के लिए बाहर कर दिया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब रिजल्ट की अगर हम बात करें तो केवीएस पीआरटी का रिजल्ट आपको ये हो सकता है कि लास्ट सितंबर या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, लास्ट वीक ऑफ सितंबर या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आपको रिजल्ट इसका मिल जाएगा। हाँ, रही बात कट ऑफ की, जो मैं आपको मैं बताऊं कि क्या कट ऑफ पे इसका असर पड़ेगा, एकदम असर पड़ेगा, कट ऑफ पे असर पड़ेगा। जो अभी ये माना जा रहा था कि कट ऑफ हाई जाएगी तो कहीं ना कहीं कट ऑफ में गिरावट आएगी आपकी, ऑलमोस्ट 6-7 नंबर की गिरावट देखने को मिल सकती है, तो कट ऑफ कम जाएगी। तो अभी जो बच्चे ऐसे थे 120 25 30 लाने के बाद भी हॉपलेस थे, वो एक बार अपने आप को कंसीडर कर सकते हैं, और इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है, ठीक है, आपका जो प्रोसीजर है आपका डेमो वाला, उस पे आप कार्य कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी आपका बचा हुआ है, जो लोग सोच रहे थे कि क्या होगा डिप्लोमा वाले जिनके कम मार्क्स आ रहे थे, तो अभी चांसेस बढ़ गया क्योंकि एक बल्क पोर्शन बीएड वाले बच्चों का पीआरटी से बाहर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ में अच्छी गिरावट देखने को हमें मिलेगी। अब वो डिपेंड करता है कि भाई कितने बच्चे विड्रॉ करते हैं, बीएड हटता है तो जाहिर सी बात है कि आपके कट ऑफ देखने को मिलेगा। अब इसमें से अपडेशन में इसलिए किया गया कि भाई हो सकता है कोई बच्चा ऐसा जिनके पास डिप्लोमा और डिग्री दोनों रहा हो, बीएड और डिप्लोमा दोनों रहा हो, तो वो सोच के कि हम बीएड भर दें प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आगे चल के कि उसे प्रमोशन प्रमोशन में, इस वजह से भर देते हैं बच्चे, तो इसलिए यहां पर अब करेक्शन खोल दिया गया कि वो लोग अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपडेट कर लें। इससे बाद जो भी इंफॉर्मेशन आएगी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ साझा किया जाए। कोई भी दिक्कत कोई परेशानी है आप सभी को तो आप कमेंट में बता सकते हैं। रिजल्ट का वेट मत करिए, अब जल्द ही रिजल्ट आने वाला है। जितने लोग भी ऐसे स्थिति में थे कि नहीं इंटरव्यू देना ही है हमको,
ये वाला प्रोसीजर अपना डेमो क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए, फिर से एक बार प्रिपरेशन में लग जाइए, अब रिजल्ट में देरी नहीं होगी। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।